सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक जरूर करें सोनल की रजा को। सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक जरूर करें सोनल की रजा। हेलो फ्रेंड, सोनल बेकिंग कुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये हरे लहसुन का अचार बनाना सिखाने जा रही हूँ। मार्केट में एक्चुअली आजकल हरे लहसुन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि नए लहसुन आते हैं तभी हरे लहसुन भी मिलते हैं, और काफ़ी जल्दी बन जाता है ये अचार, इंस्टेंट होता है, बनाइए और तुरंत आप खा सकते हैं। और इसका अचार हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी ये लहसुन है जो मैंने इसको, इसकी जो देखिए जड़ होती है वो मैंने काट के इसको साफ करके धो लिया है। अब हम इस लहसुन को बारीक बारीक काट लेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें डली वो मैं बता देती हूँ। ये हरा लहसुन है, कम से कम 200 ग्राम है ये। इसमें हम 100 ग्राम मिर्च डालेंगे, और थोड़े से ये अदरक लिए हैं मैंने 50 ग्राम, ये इसको बारीक बारीक काट लेंगे। इसको हमें अच्छे से बारीक बारीक काट लेना है। बारीक काटने के बाद इसे हम तुरंत अचार नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा धो के खाते हैं, ताकि जो इसके अंदर का पानी होता है वो सूख जाए। और फिर आप अचार को, यदि आपको रखना है तो आप रख के इसको खा सकते हैं, और तुरंत खाना है तो आप झटपट इसको बना के तुरंत खा सकते हैं। ये इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। वैसे तो हमें इसको धूप दिखाने के बाद पूछना भी पड़ेगा, लेकिन बारीक बारीक कटा रहेगा तो कैसे पूछने में आसानी जाती है। और अदरक को भी इसी तरह से हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह से, थोड़ा सा धूप दिखाना ज़रूरी है यदि आपको अचार महीना, दो महीना या तीन महीने के लिए रखना है। हमारी मम्मी तो इसको बनाती थी तो साल साल भर के लिए बना के रखती थी, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये बारीक कट चुके हैं, अब इसको हम अलग कर देते हैं। सब एक साथ ही रख रही हूँ मैं, क्योंकि हल्का सा धूप दिखाना रहेगा इन सबको। अब ये मिर्ची को हम काट लेते हैं, इसको भी इसी तरह से काट लीजिए। ये देखिए, ये सभी को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब काटने के बाद हम इसको थोड़ी देर धूप में रखेंगे, कम से कम एक दो घंटे की धूप इसे दिखानी है। दिखाने के बाद फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, मैंने इसको धूप में दिखा लिया है, दो घंटे की धूप दिखाया है, तो इसके अंदर का पानी जो रहता है वो सूख गया है। अब हम इसको मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको मिक्सर में इस तरह से दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, अब इसमें हम, ये देखिए ये आमचूर है, ये आमचूर डालना है, दो चम्मच आमचूर। थोड़ा सा अजवाइन लिया है मैंने, ये नमक देख लीजिए, ये नमक स्वाद के अनुसार डालना है। अचार में थोड़ा सा नमक तेजी अच्छा लगता है। अभी मैं थोड़ा डाल दूँ, टेस्ट करूँगी, यदि मुझे लगेगा कम है तो फिर मैं और इसमें ऐड करूँगी। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने एक बर्तन में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखा था, तेल गर्म हो चुका था, उसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखा है मैंने। देखती हूँ अभी मैं, वो ठंडा हो गया है क्या। ये देखिए, अभी सरसों तेल है, ये मैंने गरम कर लिया था, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। कम से कम ये 150 ग्राम सरसों का तेल है। अब इसको इसको अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेना है। ये देखिए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, लहसुन की खुशबू जो होती है बहुत ही अच्छी आती है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट ज़रूर करिए, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कलर कितना सुंदर आया है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसको हम एक डब्बे में भर के रख लेंगे। आप इसको कांच की बर्नी में भी भर के रख सकते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स में भी रख सकते हैं।
इसको आप एक दो दिन की धूप और दिखा देंगे तो ये अचार बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको आप 6 महीना साल भर भी रख के आराम से खा सकते हैं। अब ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसका पानी मैंने धूप में रख के इसको सुखा दिया है। यदि आप डायरेक्टली इसको पीस के बना लेते तो आप इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते थे। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए ये लहसुन का अचार बन के तैयार हो गया। आप इसको बनाकर खाइए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।